मई के महीने में तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिनमें बृहस्पति, शनि और शुक्र हैं। न्याय के देवता शनि देव 11 मई सोमवार से अगले 142 दिनों के लिए मार्गी से वक्री हो गए हैं। जब किसी ग्रह की चाल उल्टी होती है तो उसे वक्री कहा जाता है। शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री हो गए हैं। वक्री होने के बाद शनि देव 29 सितंबर तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। इस सब का असर राशियों पर भी पड़ेगा। शनि के वक्री होने से इसका राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके डिटेल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां चेक कर सकते हैं। मान्यता है कि शनि देव किसी व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसे फल देते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनि देव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। शनि देव सूर्य देव के पुत्र है और इनकी माता का नाम छाया है। शनि को मंदा, कपिलाक्षा और सौरी के नाम से भी जाना जाता है। शनि देव नव ग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो इंसान के जीवन में प्रभाव डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि किसी भी व्यक्ति के बुरे प्रभावों को कम करने में भी मदद करते हैं। शनि देव को बुरे ग्रहों में नहीं गिना जाता क्योंकि ये व्यक्ति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। शनि देव कठिन परिश्रम, अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता आदि गुणों के लिए जाने जाते हैं। शनि मनुष्य के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर उन्हें फल देते हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें दंड भी देते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। शनि देव का प्रभाव व्यक्ति पर उसके कर्मों के अनुसार पड़ता है, इसीलिए शनि देव को कर्म का फल देने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। शनि देव को न्याय के देवता भी कहा जाता है। शनि देव भगवान शिव शंकर के परम भक्त थे। शनि देव की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका सरसों के तेल से अभिषेक कराना। ऐसा करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हर शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का तेल जरूर जलाए, साथ ही हनुमान जी की पूजा भी करे, गरीबों को दान दे और हर स्त्री का सम्मान करे। ऐसा करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। धर्म से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोकमत न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।